सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी के A20 फोन की, यानी A20 फोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं, और बहुत ही विस्तार से सारी चीजें बताऊंगा। कैमरा क्वालिटी कैसी है, बैटरी लाइफ कैसी है, स्पेसिफिकेशन कितने सारे हैं, कैसे हैं, फोन चलने में कैसा है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, वहां पे क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा, घंटी का बटन, उसे दोबारा से दबा दीजिए, जिससे इस तरह की जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों टाइम बर्बाद नहीं करते, जल्दी से मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। तो ये है सैमसंग का A20 यानी A20, सैमसंग गैलेक्सी पूरा नाम है इसका, सैमसंग गैलेक्सी A20। तो ये वाला फोन है आपके सामने और बिल्कुल पैक है ये, लिखा हुआ डू नॉट, जब सील ब्रोकन हो तब इसको नहीं परचेज करना चाहिए। और यहाँ पे आपको सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिल रही है, इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ड्यूल कैमरा है दोस्तों, ओक्टा कोर प्रोसेसर है और 6.4 इंच की फुल रेक्टेंगल डिस्प्ले है। 4G फोन है ये, 4G LTE फोन। साथ ही आपको इस फ़ोन में 3GB रैम और 32GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, अलग से आप SD कार्ड लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, यानी फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और पीछे में ड्यूल कैमरा दिया हुआ है, यानी 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा है और एक 5 मेगापिक्सल का है। बैक में रियर में 2 कैमरा है, 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। तो ये फ़ोन आपके सामने आ गया, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और लुक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको साइड में रख देते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट्स हैं। ये जैसा कि इसमें होना चाहिए बैक कवर, लेकिन ये बहुत ही पतला है, शायद बैक कवर नहीं है इसमें। इसमें ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन है सैमसंग की तरफ से, वारंटी कार्ड है, डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसको संभाल के रखिए। और अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं प्रोडक्ट के बारे में तो इसको पढ़ लीजिए। तो डिस्प्ले बिल्कुल 6.4 इंच की है और वी इन्फिनिटी डिस्प्ले है, यानी आप इसे एक फुल व्यू डिस्प्ले कह सकते हैं और ड्यू ड्रॉप नोच डिस्प्ले भी कह सकते हैं। हर कंपनी एक अलग अलग नाम दे रखा है नोच डिस्प्ले को, फुल व्यू डिस्प्ले को, तो यहाँ पे इन्फिनिटी वी शेप डिस्प्ले है। ये एक फास्ट चार्जर है सैमसंग का, फास्ट चार्ज जो आपके फ़ोन को बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर देता है। अगर कम समय के लिए भी आपने लगा रखा है फ़ोन को चार्जिंग में, तो कम समय में ही आपका फ़ोन काफ़ी देर तक चलने लायक हो जाता है। 2 एम्पियर का ये अडेप्टर है। सैमसंग का चार्जर है, ओरिजिनल चार्जर है, आपको मार्केट में अगर ये खो जाता है तो लोकल से ही काम चलाना पड़ता है। और एक सी टाइप की केबल है जो मेरे हाथ में, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं सिम ट्रे निकालने की पिन दी हुई है जो आजकल सभी फ़ोनों में आती है। ये एक नई चीज़ दे रखी है, मतलब मैंने मोस्टली फ़ोनों में देख रहा हूँ कि आजकल ईयर पीस नहीं आते, लेकिन इस फ़ोन में ईयर पीस दिया है सैमसंग ने, और काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। 3.5 mm का इस ईयरपीस का जैक है जो मोस्टली सारी फ़ोनों में सपोर्ट करता है। अब फ़ोन को स्टार्ट करते हैं, फ़ोन को देख लेते हैं, इसके ऊपर ये रैपर है और इसको मैं निकालता हूँ, फिर देखते हैं क्या है। तो फ़ोन बहुत ही शाइन है सामने से, ये फ्रंट डिस्प्ले है सामने से, आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँगा, डिस्प्ले फुल डिस्प्ले है ये, और अभी ऑन होगा तो काफ़ी क्लियर दिखेगा। पीछे से बहुत ही ग्लॉसी डिज़ाइन है, ग्लॉसी मतलब चमकीला 3D ग्लॉसी डिज़ाइन है। 2 आपको कैमरा दिख रहे हैं, ड्यूल कैमरा पीछे, और साथ में एक अच्छी हैवी सेल्फी लाइट है, और फिंगरप्रिंट सेंसर तो है ही है क्योंकि ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा।
ये साइड में वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज का बटन है और पावर ऑन ऑफ का बटन भी इसी साइड है। सारी चीज़ें नीचे दी गई हैं, 3.5 mm का जैक और चार्जिंग पिन नीचे की तरफ दी गई हैं, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, नीचे ही साउंड सिस्टम भी है। और ये एक साइड में सिम ट्रे दी हुई है, 3 स्लॉट सिम ट्रे है, यानी 2 सिम लगेगी और 1 SD कार्ड लग जाएगा। वैसे इसमें 32 GB की इंटरनल मेमोरी है, अगर आपको अलग से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो आप अलग से SD कार्ड लगा सकते हैं 128 GB तक का, इससे कम भी लगा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 128 GB तक का लगा सकते हैं। ये फ़ोन को ऑन करता हूँ मैं, तो फ़ोन ऑन हो गया, सैमसंग गैलेक्सी A20 सिक्योर्ड बाय क्नॉक्स, यानी सैमसंग का अलग से सिक्योरिटी फीचर भी इस फ़ोन के अंदर है। एंड्रॉयड जिस फ़ोन में होता है, तो एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है और एंड्रॉयड काफ़ी तरह से अपने आप में काफ़ी सिक्योर होता है, हमेशा अपडेट होता रहता है, लेकिन सैमसंग ने भी इसमें अपनी सिक्योरिटी फीचर्स का इस्तेमाल किया है। वाओ क्या लुक है, तो ये आप देख रहे हैं क्या एकदम से लुक्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, ग्लॉसी, और ऐसा लग रहा है स्क्रीन निकल के बाहर की तरफ आ रही है। ये है ड्यू ड्रॉप नोच डिस्प्ले, जिसको सैमसंग कहता है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले। सुपर अमोल्ड स्क्रीन है, सुपर अमोल्ड का मतलब ये हो गया ये सैमसंग की ही स्क्रीन है और इसमें पावर कंजप्शन कम होता है, यानी आपकी बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल फ़ोन की 3000 mAh की बैटरी और सैमसंग की 2500 mAh की बैटरी दोनों ही लगभग बराबर होती हैं, क्योंकि सैमसंग की जितने भी अमोल्ड डिस्प्ले है इन्फिनिटी, तो उसमें पावर कंजप्शन कम होता है। तो ये देख लीजिए, काफ़ी सारे विजिट्स भी आ जाएंगे अगर यहाँ पे ऐसे आप टच करेंगे काफ़ी देर तक, तो वॉलपेपर और ये सारी सेटिंग आ जाएगी जिससे आप वॉलपेपर चेंज करते हैं, सारी चीज़ लगाते हैं। तो आप कैमरे को चेक कर लेते हैं और ये देखिए आपके फेवरेट क्रिएटर जो इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आपको दिख रहे होंगे फ़ोन में। तो ये ऊपर वाला फ्रंट कैमरा था ऑन है, अब मैं इसका बैक कैमरा ऑन करता हूँ, तो बैक में आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, 2 कैमरे दिए गए हैं, ड्यूल कैमरा। तो एक जो कैमरा होता है वो वाइड एंगल फोटोग्राफी के लिए होता है। आप देख लीजिए फ़ोन कितनी दूर रखा हुआ है और फ़ोन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है, फ़ोन से दूरी आ रही है, यानी 120 डिग्री एंगल होता है फ़ोन में, फ़ोन के इस कैमरे में। तो आप देख रहे हैं दूर तक की भी चीज़ें काफ़ी नज़दीक आ रही हैं, क्योंकि 120 डिग्री है। नॉर्मल जो फ़ोन होते हैं वो 90 डिग्री वाला फ़ोटो एंगल लेते हैं, लेकिन ये 120 डिग्री। आप देख लीजिए बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है और आपकी जो फ़ोटो आ रही है इस फ़ोन के अंदर वो कहाँ पे आ रही है, यानी दूर रखी हुई चीज़ों के भी ये फ़ोटो खींच ले रहा है दोनों तरफ से ही इस तरह के हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छा है, सारी पिक्चर बहुत क्लियर है और सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, आपके लाइक को देख के हमें बहुत ही खुशी होती है। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, रेड कलर में लाल रंग में, उस पर दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरह की और भी वीडियो जब भी आएगी आपको देखने को सबसे पहले मिल जाएगी। तो रेड कलर पर जब क्लिक कीजिए उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, उसको दबाना ज़रूरी है जिससे आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगी सबसे पहले। कमेंट जरूर करिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।